नमस्कार, एबीपीएस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय प्रताप सिंह। मैं हूं आरती सिंह। हम लेकर आए हैं रात्रि अखबारों की कुछ सुर्खियां जो पहले पन्नों पर आज अपनी जगह बनाए हुए हैं। जिन खबरों में सबसे पहली खबर इलाहाबाद से है, जहां पर एक वकील की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि वकील अपने घर से कचहरी की तरफ जा रहे थे, तभी दो बाइक सवार बदमाशों ने उनकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखकर उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए वकीलों ने कचहरी में जमकर हंगामा किया। इलाहाबाद में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई हैं। खबर में बताया जा रहा है कि घटना की सूचना पर आईजी रमित शर्मा, एसएसपी समेत पुलिस के कई आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए। जिस स्थान पर वारदात हुई, वहां से थोड़ी देर पहले ही मुख्य सचिव और डीजीपी का काफिला भी गुजरा था। तो ये बड़ी खबर इसलिए भी हो जाती है कि एक तरफ तो वकील की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो वहीं डीजीपी और मुख्य सचिव का काफिला भी कुछ ही देर पहले इसी जगह से गुजरा था, और कानून व्यवस्था की समीक्षा को लेकर ये लोग शहर के अंदर आए थे। तो बड़ी खबर इलाहाबाद से है। मुख्य सचिव और डीजीपी शहर में ही मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक वकील की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। विरोध में वकील हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं दैनिक जागरण की साइड से एक बहुत बड़ी खबर दिल्ली से नजर आ रही है। कर्नाटक में थमा शोर, मोदी राहुल ने लगाया जोर। पीएम जी का कहना है कांग्रेस के दिल में एससी एसटी पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। कर्नाटक विधानसभा के ये 12 मई को होने वाले चुनाव का प्रचार गुरुवार शाम थम गया है। राज्य की 224 सीटों पर प्रचार में दोनों दलों के शीर्ष नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। तो वही ईस्टर्न पेरिफेरल को खोलने के लिए पीएम का इंतजार क्यों, इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही है कि 31 तारीख तक उद्घाटन नहीं किया तो जनता के लिए इसको खोल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में 31 मई से पहले करने का कोई भी आदेश दिया जा सकता है। साथ ही कहा गया कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाए। एनएचआई ने बचाव में कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 29 अप्रैल को इसका उद्घाटन प्रस्तावित था, लेकिन उनकी व्यस्तता की वजह से इसका उद्घाटन नहीं हो पाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि 31 तारीख तक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नहीं होता है तो जनता के लिए खोल दिया जाए। प्रधानमंत्री का इंतजार करने की बजाय जनता को इसकी सहूलियत मिलनी चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेसवे जनता के लिए बना है। और जो पूरी पीठ है उसका यही कहना था कि यदि प्रधानमंत्री के पास में समय नहीं है तो इसे जनता के लिए खोल दिया जाए। उसी ओर अमरोहा से एक बड़ी खबर सामने आई है। विधायक समर्थकों ने एसडीओ से की मारपीट। अमरोहा मंडी धनोरा के ग्राम भूतपुरा में बिजली लाइन पर काम करते समय संविदा कर्मी हितेश की पोल से गिरकर गुरुवार को मौत हो गई है। परिजनों ने सबको सीएचसी पर रखकर जमकर हंगामा काटा। विभाग ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाने का आश्वासन देकर शांत कराया है। तो रेलवे से जुड़ी भी एक खबर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि लेट लतीफी के कारण 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। गर्मी की छुट्टियों में जहां एक तरफ बच्चे अपने माता पिता के साथ घूमने जाते हैं और ज्यादातर लोग ट्रेनों पर ही भरोसा करते हैं, उसके बावजूद भी लेट लतीफी मतलब देरी से चलने के कारण इन ट्रेनों को रेलवे ने पूरी तरह से आवाजाही रद्द कर दी है, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुरादाबाद से छपी इस खबर में बताया गया है कि रेलवे के लाख प्रयासों के बाद भी ट्रेनों का जो समय है वो अपने समय से नहीं चल पा रही है, और समय के इसी के कारण इन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। गोरखपुर आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन गुरुवार को 24 घंटे देरी से मुरादाबाद पहुंची, जबकि गोरखपुर से देहरादून जाने वाली राप्ती गंगा 11 घंटे लेट आई है। देरी की वजह से मुरादाबाद मंडल से गुजरने वाली 10 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। ये ट्रेनें अब अपने निर्धारित समय पर भी नहीं चलेगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी के साथ अजय प्रताप सिंह और आरती सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एबीपीएस न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस को लाइक, फॉलो जरूर करें।